यशोमती मैया के नंदलाला। कान्हा यशोदा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रभावती को आपके कान्हा को पकड़ते हुए। हाँ भाभी, मैंने भी देखा था। हाँ हाँ, हमने सभी देखा था। ओ मैया, ऐसा दंड थोड़े ना चाहिए था मुझे। कान्हा रुक, कान्हा मैंने कही ना वही रुक। कान्हा, कान्हा रुक। कान्हा, कान्हा वही रुक, रुक। अंतिम बार कह रही हूं, ना तो ठीक ना होगा। रुक कान्हा, कान्हा। कान्हा, आज तो तुझे दंड अवश्य देके रहूंगी। देखती हूँ कब तक भागते है। तू जिन्हें पकड़ना चाहती है ना यशोदा, उनके आभा मंडल में पहुंचने के लिए ऋषि मुनि योगी सहस्रों वर्षों तक तप करते हैं, तब भी उनके निकट नहीं पहुंच पाते हैं। कान्हा है ना, तो मैं भी यशोदा हूँ, पकड़ के रहूंगी तुझे। रुक, लल्ला अब तेरी मैया थक गई, अब तो हाथ आ जा। मैं भी तेरी मैया हूँ लल्ला, तेरी गति को अपनी चतुराई से थामूंगी। जब कोई पूरी भक्ति के साथ भगवान के पीछे भागे तो भगवान मिल ही जाते हैं। अब बोल, कहाँ भागेगो? सारी गोपियां तुझे रंगे हाथों ना पकड़ पा रही थी तो मैं मूर्ख उन्हें दोष दे रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरा लल्ला सच्ची में, मैंने तो कही थी यशोदा जी, पर आप ही मानने को तैयार ना थी। यही सच है ना तेरा, सबके घर से माखन चुरा के मेरे सामने भोला बनता था। अब देख कैसा कड़ा दंड दूंगी तुझे। था मेरी सखाओं की तरह मैया मुझे भी कोई छोटा मोटा दंड देगी, पर लगता है सबसे भयंकर दंड मुझे ही मिलने वाला है। इन्हें देखिए तो महादेव, भयभीत कम है और स्वांग अधिक रच रहे हैं। ये मेरा लल्ला कितना भयभीत होगा, वह कितना कोमल है जी, कैसे मारूं इसे, और वो भी इस छड़ी से। मैया बहुत तीव्र तो ना मारूंगी ना। लल्ला, मैं तुझे सच्ची थोड़े ना मारने वाली थी, मैं तो बस तनिक भयभीत कर रही थी तुझे।
नल्ला आंखें खोल, देख देख मैंने छड़ी फेंक दिया। खोल आंखें, देख देख देख। जे क्या जशोदा जी, आपने तो कही थी कि जब जब पकड़ा जाएगो आप इसे दंड दोगी, पर इसके आंसू देखते ही आप पिघल गई। सच्ची भाभी, इसके कौतुक देखकर हमें भी ऐसा ही लगता है जैसे भूल इसने ना हमने ही कर दी हो। ये सबकी सब दोबारा क्यों फसा रही है, कहीं मैया फिर से छड़ी ना उठा ले। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगो ना तब मानना पड़ेगा जशोदा जी। तब हम सब आपसे प्रश्न करेंगे, फिर देखते हैं क्या उत्तर है आपके पास। मैया क्या सोच रही है, भले ही कोई दंड दे दे पर छड़ी से ना पीटे। इसे कड़ा दंड तो मैं स्वयं ही ना दे पाऊंगी, पर यदि कोई दंड ना दियो तो कहीं जे और ना बिगड़ जाए। और फिर जे सब भी तो हैं, क्या सोचेंगी जे कि मैं अपने लल्ला का पक्ष ले रही हूँ। ना ना, दंड तो देना ही पड़ेगा। अरे जशोदा ने तो फिर छड़ी उठा ली। शांति, अब लो मेरी पिटाई का आनंद। चिंता मत ही करो तुम सब, दंड तो इसे दे के रहूंगी मैं। भाभी, क्या भाभी? एक तो मेरे हाथों से मेरे कान्हा को पिटवा रही हो, अब प्रसन्न हो ना तुम सब? ना मैया, छड़ी से ना मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं सब स्वीकार है मुझे, पर मैं वचन कित देता हूँ अब कभी ना करूंगा। तूने अपराध स्वीकार कर लियो है तो जे मत ही सोचियो कि मैया दया करके दंड ना देगी। देख, जशोदा जी क्या कर रही हैं? क्या ये कान्हा को बांधने जा रही है? बहुत चाव है ना तुझे ओखल पे चढ़ के माखन चुरा के वानर टोली में बांटने का? मैया केवल वानरों को थोड़ी देता हूँ, सारे सखा भी तो खाते हैं मेरे। चाहे कोई भी खाए, माखन चुराता तो तू ही है ना। अब देखती हूँ कैसे माखन चुराता है और कैसे बांटता है। अब पूरे दिन इसी ओखर से बंधे पड़े रहिए, चाहिए तेरा दंड। अब जब पूरे दिन यहाँ से हिल भी ना पाएगो ना तब समझ आएगी दंड क्या होता है। जे तो छोटी पड़ गई। देख क्या रहो है, केवल दो अंगुल ही छोटी पड़ी है। अभी और रस्सी लेकर आती हूँ। छोटा सा लल्ला है।
दोनों रस्सियों को बांधती हो फिर भी तो उंगल छोटी पड़ गई, कैसे? अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता ना है, आज मैं तुझे बांध के रहूंगी। जिनमें पूरा ब्रह्मांड बसो है, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत, उन सर्वव्यापी परमात्मा को एक रस्सी में बांधना कैसे संभव है भला? इतनी रस्सियां जोड़ दी, अब कम कैसे पड़ सकती है? जे हो क्या रहा है? और अब तक तो इसे इसकी गलती भी समझ में आ गई होगी ना। जो भूल की हो है उसका दंड तो मिलेगा, और तुम सब इसके सामने अधिक अच्छी बनने का प्रयास मत करो, समझ आई? जी जी, आगे से ना करेंगे, क्षमा कर दो उसे। हर बार रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ती है, ऐसा क्यों देवर्षि? फिर से दो अंगुल छोटी पड़ गई, ये कैसे संभव है? आज चाहे जितनी भी रस्सियां जोड़नी पड़ जाए, तुझे तो बांध के रहूंगी मैं। अरे भाभी, भाभी आपने वो पीछे गेहूं सुखाने रखे थे ना, चिड़िया चूचेंगी उन्हें। चुक जाने दे, आज मेरे लिए एक ही बात महत्वपूर्ण है, ये रस्सी और इसका दंड। बिल्ली बिल्ली भाभी, बिल्ली भीतर घुस गई है, दूध दही माखन सब खुला पड़ो है भाभी। हाँ जी जी, सही है। जिससे जो करना है करे, भीतर जो हो रहा है होता रहे, मुझे कोई अंतर ना पड़ता। आज तू देख, तुझे बांध के रहूंगी मैं। सॉरी रस्सियां बांधी, अब कम कैसे पड़ सकती हैं? पूरा का पूरा गट्ठर लेके आई हूं काना, अब देखती हूं जे कैसे छोटा पड़ेगा। मैया गजरा, गिरने दे। जी जी, जाने दो ना, बहुत छोटा बालक है। हाँ भाभी, उसे कितना कष्ट भी हो रहा है। हमसे गलती हो गई जसोदा जी। मत ही बांधो। हे नारायण, अब आप ही संभालो, बस अब जे रस्सी कम ना पड़े। इस बार रस्सी दो अंगुल छोटी नहीं पड़ी। पहली अंगुली की दूरी भक्त की निष्ठा का प्रतीक होती है देवी। स्वयं को समर्पित करके भक्त को ये दूरी तय करनी होती है, और दूसरी अंगुली की दूरी स्वनिष्ठा अर्थात ईश्वर की इच्छा का प्रतीक होती है, जिसे भक्त की भक्ति में बंधकर भगवान स्वयं तय करते हैं। अर्थात जो भक्त अपने आप को पूर्ण तरह से अपने भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं,
भगवान अपने आप ही उस भक्त के सामने समर्पित हो जाते हैं। बहुत कस के तो ना बांधे। कैसा दंड है माधी? मैया स्वयं बांध भी रही है और चिंता में व्याकुल भी हो रही है। भक्ति के स्वरूप को वात्सल्य कहते हैं देवी। ममता और प्रेम के दो सिरों से आज यशोदा और कृष्ण ने दो अंगुल की चिर दूरी भी मिटा दी। इसे ऐसे ना देख सकती मैं, पर जो सीख लेना इसके लिए बहुत आवश्यक है। तुम सबको तो बड़ा आनंद आ रहा होगा ना मेरे लल्ला को बंधा देखकर। तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो तुम सब? दामोदर, 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 जिसके उदर में दाम अर्थात रस्सी बंधी हो वो दामोदर ही तो कहलाएगो जसोदा। चोर, माखन चोर कहलाएगो जी। क्षमा कर दो मैया, मैया क्षमा कर दो, मैया क्षमा कर दो, मैया खोल दो ना, मैया मुझे खोल दो। यशोदा जी जी अपने लल्ला को ऐसे ओखन में बांध कर ना जा सकती। सच्ची आगे से ना करूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रभु कि इस दामोदर लीला के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है, पर क्या? काना, इस बार तेरा है तेसी मैं कि मैया तेरी पुकार सुन के भी अपने हृदय को पिघलने ना दे। उचित और अनुचित का पाठ पढ़ाने के लिए मुझे अपने हृदय को कठोर करना ही पड़ेगा। अपने लल्ला को दंड देना भी एक मैया का कर्तव्य हो तो है, और आज मैं ये कर्तव्य निभाऊंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.